ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। आशीष पाना चाहते हैं ये स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं ये स्वर्ग पिता हम आते हैं। जय जय यीशु।
आज के प्रदूषित वातावरण में अच्छे स्वास्थ्य हेतु हमें दिनचर्या से जुड़ी अनेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। उचित खानपान, साफ सफाई और सही व्यायाम हमें फुर्तीला बनाए रखते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य बातों में परिधान भी प्रमुख है। जी हां, स्वास्थ्य और परिधान का गहरा संबंध है। उचित ड्रेस मटेरियल का चयन, ड्रेस डिजाइन और रंगों का चयन न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है अपितु मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। कुछ बातें हैं जिनका स्वास्थ्य की दृष्टि से परिधान चयन करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। श्रोताओं, आइए हम आपको उन बातों के बारे में जानकारी देते हैं। फैब्रिक का चयन, यूं तो सूती, रेशम, रेयन, टेरिलीन, नायलॉन, ऊनी, टेरिकॉट आदि फैब्रिक बाजार में मिलते हैं। ये सब व्यवहार में लाए जाते हैं। कभी हम फैशन के चलते नए प्रकार के फैब्रिक्स का प्रयोग करते हैं तो कभी बजट के अनुसार सस्ते सुंदर वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, किंतु किन्हीं कारणों से शरीर में कब बीमारियां पनपने लगती हैं इसका पता ही नहीं चलता। खुजली, छींक की एलर्जी, साइनस, नाक से पानी बहना और सिरदर्द के साथ साथ शुष्क त्वचा, शरीर की दुर्गंध, लाल चकत्ते, चमड़ी का फटना भी इन्हीं का नतीजा है। अतः परिधान के फैब्रिक को परखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सूती सभी फैब्रिक्स में श्रेष्ठ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। यह न केवल आरामदेह होते हैं वरन इनमें शरीर की दुर्गंध और फंगल इन्फेक्शन रोकने की क्षमता भी होती है। गर्मियों में यह फैब्रिक ठंडक प्रदान करते हैं और सर्दियों में गर्मी प्रदान करते हैं। आज भी विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों से पेश कर इस फैब्रिक को बाजार में लाने के पीछे उद्देश्य केवल स्वास्थ्य को लेकर ही रहा है। टेरिकॉट, टेरिलीन जैसी फैब्रिक से आप ड्रेस बनाना चाहें तो यह अवश्य जांच लें कि इससे आपके शरीर को एलर्जी तो नहीं है। गर्मियों में इस फैब्रिक को व्यवहार में लाने से शरीर दुर्गंध युक्त और गर्म हो जाता है तथा घमौरियों की शिकायत भी होने लगती है। सर्दियों में इस फैब्रिक से बने परिधान को व्यवहार में लाने के कारण यह शरीर से चिपकने लगता है तथा शरीर अधिक ठंडा हो जाता है। बरसात के मौसम में इसे धारण करें तो उत्तम सिद्ध होता है। सूती, खादी, स्पन के फैब्रिक्स बरसात में प्रयोग न करें क्योंकि इनमें फंगस लगने के कारण शरीर में फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक होती है। रेशम के परिधान जब भी बनाएं तो सूती की लाइनिंग या अस्तर अवश्य दें ताकि ड्रेस भी ठीक रहे और शरीर के पसीने को महीन सूती की लाइनिंग या अस्तर सोख ले। ऊनी व कास्ट वूल फैब्रिक के चयन के समय ध्यान देना आवश्यक है कि अधिक रोए वाले और रोए वाले वस्त्रों से आपको एलर्जी तो नहीं, जैसे अत्यधिक शुष्क त्वचा, लाल चकत्ते, फटी चमड़ी, छींके, सारी सर्दी, साइनस की समस्या बनी रह सकती है। अच्छी कंपनी के स्वेटर, कोट और ड्रेस आपको फायदा दे सकते हैं। सॉक्स, ब्रेजरी, बनियान, जांगिया, पैंटी के साथ साथ सूती के नारे और रुमाल सूती हो तो आपको चमड़ी की एलर्जी नहीं हो सकती। फैब्रिक का चयन अगर आपने उचित किया है तो आपकी आधी समस्या का समाधान तो हो गया समझो। बाकी फैशन के चलते
आपको ड्रेस बनवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। स्त्रियों के लिए ब्लाउज और पेटीकोट की समस्या है, जिसके कारण पीठ और कमर में उन्हें एलर्जी होने की संभावना होती है। अगर ठीक से बनाना ना गया हो तो पेटीकोट अधक कसा हुआ हो तो रक्त जमने के कारण निशान पड़ जाते हैं। अधिक कसी हुई ब्लाउज और अनुचित नाप की ब्रजरी महिलाओं और किशोरियों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कैंसर, गांठ और लाल चकत्ते होने की शिकायत इस लापरवाही का फल हो सकता है। शलवार कुर्ता पहनते समय भी ध्यान रखा जाए कि नाड़ा अधिक कसा हुआ न हो। जहां तक संभव हो ढकी आस्तीन या पूरी बाजू वाली ड्रेस सिलवाएं, ताकि धूप धूल हवा से हाथ की त्वचा बची रहे। स्कर्ट पहनते समय कमर की इलास्टिक का ध्यान रखें, अधिक कसने के कारण पाचन क्रिया में विकार होने की शिकायत हो सकती है तथा निशान से त्वचा को हानि भी पहुंच सकती है। जींस अधिक कसी होने के कारण कूले, कमर, पाचन क्रिया, यूट्रस पर इसका कुप्रभाव देखा जाता है। पुरुषों को भी चाहिए कि जांघिया की इलास्टिक की ओर ध्यान दें। सूती बनियान और जांघिया पहने, पूरी आस्तीन वाले शर्ट सूरज की किरणों, तेज शुष्क हवाओं से बचाएंगे और सर्दियों में त्वचा को फटने से बचाएंगे। गर्मियों में टी शर्ट और जींस सूती वाले धारण करें, इससे शरीर की दुर्गंध से बचा जा सकता है। पैंट पहनते समय जब बेल्ट पहने, ध्यान रखें कि अधिक कसी हुई ना हो, इससे अपच, कब्जियत तथा पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। बच्चों और बूढ़ों के लिए भी कॉटन के हल्के परिधान उत्तम माने जाते हैं। फैब्रिक और परिधान के चयन के साथ रंगों का चयन भी स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है। गर्मियों में हल्के रंगों के वस्त्रों को व्यवहार में लाएं। सफेद, आसमानी, हल्के गुलाबी, पीले, हल्के हरे रंग बहुत स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। इस ऋतु में बैंगनी या काले कपड़ों को धारण न करें, यही बेहतर होगा, क्योंकि इस रंग के कपड़े अधिकाधिक सूर्य की किरणों को सोखते हैं और शरीर को अधिक गर्म कर देते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक पसीना, दुर्गंध, एलर्जी, घमोरिया और चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत सर्दियों में गहरे रंग वाले परिधान धारण करने पर शरीर गर्म रहता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को चाहिए कि ब्रेजरी अधिकांश रूप से सफेद या बादामी रंग में ही धारण करें। काले रंग की ब्रेजरी धारण करने के कारण गर्मी में यह वक्ष के ग्लैंड्स को अधिक गर्म कर सकती है और परिणाम स्वरूप गांठों की शिकायत हो सकती है। ऊनी वस्त्र धारण करते समय ध्यान रखें कि अगर आप गहरे रंग का चयन करें तो अधिक ऊष्मा शरीर को प्रदान हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो मनोरोगी हैं उन्हें हरे रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। चाहे डिप्रेशन हो या फ्रस्ट्रेशन, हल्के रंग आपके चित्त को ठंडा रखेंगे। बीमारी के समय भी अधिक से अधिक प्रयत्न हो कि रोगी सफेद, हल्के हरे या आसमानी वस्त्र ही धारण करें। इन रंगों का सीधा प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। ऋतु, तीज त्योहार, पर्व आदि के समय अनुसार परिधान के रंगों का अवश्य ध्यान रखें, जो प्रत्यक्ष रूप से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। श्रोताओं, इस जानकारी से आप स्वास्थ्य लाभ पाएंगे, इस उम्मीद के साथ अब आप वेल्डन चरण को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। और हाँ श्रोताओ, आप हमारे वेबसाइट पर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.vophealth.org। और अब आज का आत्मिक संदेश।
प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। प्रिय रेडियो मित्रों, आज हम दुनिया में देखते हैं कि आज परिवार की प्रणाली टूट चुकी है, घर बर्बाद हो रहे हैं, घरों में कोई शांति नहीं है, लोगों ने अपने घरों से परमेश्वर को निकाल दिया है। मेरे मित्रों, घर ऐसा स्थान बन चुका है जो कड़वाहट, दुख, पीड़ा से भरा होता है। इसका कारण है कि ऐसे गृहस्थी प्रभु यीशु के पहली अहमियत और स्थान नहीं देते, परंतु हमेशा शारीरिक इच्छा, आंखों की लालसा, जीवन के गर्व को पहला स्थान देते हैं। यह सब शैतान का कार्य है जो संसार की तरफ है। प्रभु यीशु ने मरियम, मर्था की बहन के बारे में निम्न तरह से कहा, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। प्रभु ने यह वचन उसके बारे में गर्व के साथ कहा, परंतु इससे पहले प्रभु यीशु ने उसकी बहन से बात किया और कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। फिर उसके बाद प्रभु ने उसकी बहन का उन पर दृढ़ विश्वास के बारे में कहा। बाइबल के दिनों में हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु द्वारा अत्यधिक रूप से आशीषित था। वह अपने राज में बुद्धि के साथ राज करता था, वो दूसरों के लिए स्थिति का पात्र था। यद्यपि वो सर्वशक्तिमान के द्वारा बार बार चेतावनी प्राप्त करने के बाद भी उसने प्रभु की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी पत्नी की तरफ अपना हृदय मोड़कर दूसरे प्रभु के पीछे अपनी इच्छा अनुसार प्रभु के मार्ग से दूर चलने लगा और उसने प्रभु राज को खो दिया। प्रभु ने उसे त्याग दिया और वो दुखदायी अंत तक पहुंच गया। यद्यपि सुलेमान को साफ साफ ये मालूम था कि कैसे प्रभु की नजरों के सामने प्रिय जीवन जी सकते हैं, अपने पिता दाऊद के द्वारा उसने मनुष्यों को प्रिय करने वाला मार्ग चुना। इसी कारण उसे दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा। उसकी तरह आज भी यद्यपि उनके माता पिता उन्हें धार्मिक मार्ग में बड़े किए हों, परंतु अपनी युवा अवस्था में कई युवक ऐसे धार्मिक मार्ग से दूर चले जाते हैं क्योंकि वे संसार के साथ अनचाही दोस्ती रखते हैं। ऐसे मार्ग में जाते हैं जैसे उनका हृदय चलता है, पाप के दलदल में फंस जाते हैं। ऐसे जीवन जीने के द्वारा उनके अभिभावक के हृदय को दुख पहुंचता है, आखिर में सारी आशीषों को खो देते हैं। आखिर में ऐसी दशा में पहुंचते हैं जो उन्हें अपने जीवन से ही नफरत हो जाता है और दयनीय दशा में फंस जाते हैं जहां उन्हें सहायता करने के लिए कोई नहीं होता। कुछ लोग अत्यधिक पीड़ा होने के कारण अपने जीवन को अंत करने के बारे में सोचते हैं। ये दयनीय स्थिति किसी जीवन में अवश्य है जब कोई व्यक्ति अपना भरोसा मनुष्य पर ना रखकर सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखकर अपना पूरा विश्वास उस पर रखे तो अवश्य उनका जीवन फलदायक होगा। आइए इस बात पर मनन करें कैसे हम प्रभु के साथ सहभागिता रख सकते हैं, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं और उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। बाइबल कहती है, तुम
मुझे ढूंढोगे पाओगे कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रभु को ढूंढने के लिए दो मुख्य चीज आवश्यक है, जो दो बातें पर निर्भर करती है। पहला, प्रभु के वचन को पढ़ना, और दूसरा, प्रार्थना द्वारा प्रभु को ढूंढना। बाइबल कहती है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। हम ऐसे ही वचन भजन संहिता में पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति सिर्फ मसीह को जानने से तृप्त नहीं होता, परंतु प्रभु के वचन को दिन रात पढ़ता है, ध्यान से वचन पर मनन करता है, और उसके अनुसार वो चलता है। विश्वास उसे चारों तरफ से घेरे रखती है, जैसे निम्नलिखित वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। वे अपने सब प्रयत्नों में विजय होंगे, जैसे कि हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे तुझसे ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। प्रभु जो कभी नहीं बदलते, वे उनके लिए मार्ग खाली करेंगे जिससे कि वे महिमा भर महिमा देखें। इसके अलावा प्रभु उन्हें अवश्य समृद्ध बनाएंगे, वे जो कुछ करे उन्हें प्रशंसा और स्तुति देंगे। वे जो नियम रूप में बाइबल पढ़कर प्रभु वचन पर मनन करते हैं, उनके पास ये प्रतिज्ञा दिया गया है कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, इन सभी भलाई की तरफ देखें। वो प्रतिज्ञाएं जो प्रभु हमें आशीषों के रूप में देना चाहते हैं, उनके लिए जो उनके वचन पर सच्चाई से पढ़कर उस पर मनन करते हैं, अपने शरीर मन वो आत्मा और अपने पारिवारिक जीवन में। दुख की बात है कि आजकल यद्यपि कई लोगों के हाथ में विभिन्न तरह के बाइबल है, जो उसे सच्चाई वो प्रभु भय के साथ पढ़ते हैं, उनकी गिनती बहुत कम है। आजकल बहुत कम लोग परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, और बहुत कम लोग परमेश्वर के को खोजते हैं। आजकल दंपत्ति जब वे वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो वे सोचते हैं कि प्रभु को ढूंढना जरूरी नहीं है, साथ में ये भी सोचते हैं कि इस संसारिक जीवन में प्रभु के वचन को सच्चाई के साथ पढ़ना भी अनिवार्य नहीं है। इसलिए वे ऐसे जीवन का पूरा तिरस्कार करते हैं। दूसरी तरफ वे ऐसे लोग हैं, वे जो कुछ करते हैं वे उससे तृप्त रहते हैं। उनके मन में ये बात नहीं उत्पन्न होता कि वे लोग प्रभु के निकट का जीवन जीना उनका कर्तव्य है। इसलिए वे जो प्रभु पर अपना विश्वास भरोसा रखते हैं, उस समय पर हिलता रहता है। ईश्वरीय गुण जो प्रभु के वचन में मिलता है, वो भी परिमाण स्वरूप खो जाता है। इसलिए परिमाण यह है कि ऐसे दंपत्ति सिर्फ नाम की मसीह रहते हैं, और वे लोग अविश्वासी की तरह बिना मसीह के हमेशा एक दूसरे से लड़ाई, ईसा, गुस्सा, क्रोध और शक करते रहते हैं। उनका पारिवारिक जीवन पीड़ा से भरा होता है, कड़वाहट से भरे गुण, स्वार्थीपन और सांसारिक चीजों को ढूंढना, शैतानी गुण के कारण वे अपने जीवन में सफल नहीं होते। इसलिए ये दंपत्ति के लिए समान बात बन जाता है, विवाह के कुछ दिन बाद ही वे अलग हो जाते हैं। बाइबल कहती है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने उसे मानो खा लिया। तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं।
इस ईश्वरीय खुशी को समझाने और प्रभु के वचन को मधुरता को पहचानने के लिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को खोजें। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपकी परिवार को बचाना चाहता है, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके पास आए, आपकी वैवाहिक जीवन को परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, हम आज प्रार्थना करते प्रभु हर एक घरों के लिए, जो घर परमेश्वर आज अशांत है, शैतान के चंगुल में है परमेश्वर, तू उनके साथ हो, उनके जीवन को तू स्पर्श कर, तू उनका परमेश्वर बन, उनके व्यवहारिक जीवन में तू बदलाव ला, उन्हें आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबका है तू ही सितारा, हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा, हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता श्रोताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।